दोस्तों आप लोगों से बात करने वाले हैं टिकट रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि 1 जून से जो है 200 ट्रेनें और भी चलाई जाएंगी। कुछ ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं, श्रमिक ट्रेनें। तो अपना टिकट जो है किस प्रकार से आप बुक कराएंगे उसके बारे में ही कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो रिजर्वेशन जो है फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। रिजर्वेशन काउंटरों पर लगी लाइनें, टिकट बुकिंग के लिए आज से खुले आरक्षण केंद्र। आज से जो है रिजर्वेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल 21 मई से स्टार्ट हैं। फिलहाल आपको बता दें, रेलवे ने आज से देश भर में जो है आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अपने आरक्षित काउंटर खोल दिए हैं। जो रेलवे स्टेशन पर आरक्षित काउंटर बने होते थे, रिजर्वेशन काउंटर जो, उनको खोल दिया गया है। आप वहाँ पर भी जाकर जो है टिकट का अपना जो है रिजर्वेशन करवा सकते हैं। और साथ में आप लोगों को बता दें, CSC जो केंद्र होते हैं तो उनको भी यह निर्देश दिया गया है कि वहाँ से भी आप जो है, मतलब यानी कि आपके पास पड़ोस में अगर CSC केंद्र या सेंटर है कहीं पर, तो आप वहाँ पर भी जाकर जो अपना टिकट है बुक करा सकते हैं। वैसे तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुक कराते थे, तो यानी कि अब यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं, उनके लिए बाहर जाना और किसी को नॉलेज है या नहीं नॉलेज है, तो इस तरीके से अब मजदूर भाई फंसे हैं, उनको इतना विशेष नॉलेज, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या नहीं है, इस तरीके से दिक्कतें हैं। और ये भी है, आप लोगों को पता है कि आपको स्टेशन पर जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर जो है इस तरीके से अगर टिकट देते हैं तो उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा मतलब व्यवस्था करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पूरा उनको इंतजाम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनको ये समस्याओं का फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों जो ये टिकट हैं, अब आप लोगों को जो है ऑफलाइन नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए जो है इनका ऑनलाइन बुकिंग किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें, देश भर में 1.75 लाख CSA सेंटर को यह अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वहाँ पर जाकर, यानी कि कोई भी जैसे रिजर्वेशन करवाना चाहता है तो CSA सेंटर पर जाए और वहाँ पर अपना टिकट जो है बुक करा सकता है। वैसे तो रेलवे स्टेशन पर जो रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ पर भी जाकर बुक करा सकते हैं। साथ में आप लोगों को बता दें, अब बहुत ही जल्द जो है 200 ट्रेनें जब से चलेंगी तो बाहर जितने भी लोग फंसे हुए हैं बहुत ही जल्द जो है अपने घर आ सकेंगे। तो रेलवे की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और भी इनके नियम, इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि 200 ट्रेनें जो चलेंगी वो 100 ट्रेन की जो 100 पेयर्स थे या 100 जोड़ी चलाई जाएंगी, उनकी मैंने लिस्ट भी अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख सकते हैं। तो साथ में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब टिकट कहीं पर भी हैं आपके आसपास पड़ोस में, कहीं से ऐसे सेंटर होगा, और अगर आप रेलवे स्टेशन के पास पड़ोस में रहते हैं, जंक्शन के पास में रहते हैं, तो आप जाकर वहाँ पर भी बुक करवा सकते हैं। और लेकिन रेलवे की तरफ से जो है पूरी तैयारियाँ ये की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। टिकट काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है बनाया गया है, तो अच्छे से रहिएगा, मास्क का यूज़ करिए। और जो भी यात्री जो हैं अपने घर आएंगे, उनके लिए विशेष यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए हैं कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में उनके लिए मास्क, और जो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है जिस वजह से, और कोई घबराए नहीं, और अच्छे से जो है उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि जैसे आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, भारत के किसी भी कोने में हों, और हर जगह की जो ट्रेनें हैं चलाई जा रही हैं। दोस्तों आप लोगों के मन में एक भी और डाउट ये होगा, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि वो जैसे तमिलनाडु में फंसे हुए हैं तो अब ये दिल्ली आना चाहते हैं, तो आप लोग ये समझिए, अगर तमिलनाडु से अगर दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, मान लीजिए जो भी स्टेशन हो वहाँ पर, तो अगर नहीं है तो आप मध्य प्रदेश तक आ जाइए, मध्य प्रदेश से फिर से एक रिजर्वेशन टिकट कटवा लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो वो अगर दिल्ली तक आता है तो दिल्ली तक ले लीजिए, अन्यथा लखनऊ तक के लिए आ रहा है, ऐसे करके आप थोड़ी थोड़ी दूरी, जैसे बहुत ज़्यादा दूर फंसे हैं तो ऐसे धीरे धीरे आप अपने घर के नज़दीक आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख के आराम से अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी खबर थी कि आप लोगों के लिए जो है टिकट रिजर्वेशन के लिए जो ये सुविधा उठाई गई, बहुत ही अच्छी बात है, हमने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दें। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेन से रिलेटेड और भी कोई जानकारी निकलेगी, आपके मन में डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।